जय जगन्नाथ दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक मैंने इमोशनल ब्लॉक लेकर आया हूँ जो मेरे गांव से जुड़ा हुआ है। मेरा गांव ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ी एरिया में है और बहुत सुंदर, अपने इतना सुंदर गांव है मेरा। ये ब्लॉक ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए मैं पूरा गांव का पूरा आपको व्यू दिखाऊंगा एक बाई एक, और थोड़ा गांव के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। शायद गांव के लोग कुछ हिंदी भी नहीं, मैंने मालूम नहीं होगा, जो भाषा है मेरा उड़िया है। कोशिश करेंगे हिंदी में बात करने के लिए, नहीं तो जो बात नहीं समझते वो उड़िया में बात करेंगे, तो मैं इसको कोशिश करूँगा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग को समझाने के लिए वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा गला बैठ गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है आज बातचीत करने में। मैंने ये जो मैंने इमोशनल ब्लॉक आज का शुरू करते हैं आप लोग के साथ। मेरे साथ पूरा बने रहिए, मेरा गांव देखिए, गांव का जो हम लोग खेलते थे, बाकी इतना सारा जो हम लोग का बचपन है, अरे समय फेरे दे मोरो पिला दिन, किछटा गोटे स्मृति आजी मन पड़ो। शायद मु तो गाँव को ଏମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାର ମତଲବ ଯେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଟା ଆଜି ମନେ ପକାଇବି। ଚାଲିଏ ମେରେ ସାଥ ଇଏ ବ୍ଲକ ବି ଆପ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଅଚ୍ଛା ଜରୁର ଲାଗେଗା ଦୋସ୍ତୋ। ମେ ଶାୟଦ 4-5 ଦିନ ସେ କୋଇ ମାନେ ମାନେ ଇତନା ବିଜି ହୁଁ କି କୋଇ ମାନେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ନେଇ କି ଆଏ, ତ ଆଜ ସୋଚା କି ଚଲୋ ମେଁ ଯା ରହା ହୁଁ ଗାଁ, ତୋ କୁଛ ନା କୁଛ ଆପ ଲୋକ ଲିଏ मैंने अपलोड करूँगा, इसलिए चलिए शुरू करते हैं जानी। चलो भाई, अब देख के समझ गए होंगे कि ये रास्ता कैसा है हम गांव पर जाने के लिए, और बहुत यादें जुड़े हैं दोस्तों। अच्छा, मेरे भाई बड़े भाई जो है वो पीछे आ रहे हैं, ये खलीकोट में सर्विस करते हैं। ये जो अभी रास्ते में जा रहे हैं ये नया रास्ता निकल रहा है, और अभी जो आप लोग ने गांव देखा ये पहला गांव है जो हमारा गांव से जाने पहले पड़ता है। बहुत दिन के बाद दोस्तों ये जो रोड है, ये रास्ता है, ये बन रहा है। नहीं तो बचपन में हम लोग साइकिल में ये रास्ता में आते थे, एक नाली जैसा रास्ता रहता था। और ये जो खेती वगैरह देख रहे हैं, बचपन तो पूरा यहाँ से भी गुजर गया दोस्तों। दोस्तों ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर से बहुत लगाव है हम लोग का, ये माता का मंदिर है दोस्तों। ये जो मंदिर देख रहे हैं ये मेरे गांव का बर्रावल माता बर्रावल है दोस्तों। यहाँ पे बचपन हम लोग का ऐसे गुजरा है, ये तो हम मैंने अभी बोलने से आप समझ नहीं पाओगे। इसके ऊपर मैं कभी सोचता हूँ कि अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसके साथ हमारा पूरा बचपन यहाँ पे बहुत मैंने मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये बोल के कि मैंने यहाँ पे जो हम लोग खेलते थे, मैंने जो छोटा छोटे छोटे पिकनिक बनाते थे, कहीं किसी घर से चावल लाना, किसका आलू ले आना, बैंगन ले आना, कोई प्याज ले आएगा, और छोटा छोटा अपने छोटे छोटे बच्चे होते थे उस समय में, बहुत यादें जुड़े दोस्तों। और चलिए मंदिर माँ का दर्शन कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, पहले से मंदिर मैंने नहीं था, ये 5-6 साल पहले बना है। नहीं तो यहाँ पर पूरा जंगल था, ये जंगल को लग के है, आगे सामने जंगल है।
जंगल को लग के है और बहुत यादें जुड़े यहाँ से। और ये जो क्या बोलते हैं आप, छोटा सा पॉन्ड है, निगड़िया बोलते हैं, यहाँ पे बचपन हम लोग का खेल कूद के यहाँ पे हम लोग का टाइम पास हो जाता था। चलिए ये तो शुरुआत है दोस्तों। ये अच्छा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा गांव से आने का पिछला दरवाज़ा जो बोलते हैं, ठीक है। साम आगे एक है जो गांव का मेन रास्ता है, वो दिखाऊंगा मैं रास्ते मैंने जब मैं गांव से निकलूंगा। चलिए गांव चलते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना इसको, इसके साथ मेरा बचपन पूरा गुजर गया है दोस्तों। आज इसका हालत थोड़ा ठीक नहीं है, इसका दिमाग भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है। सुन, हाँ ये हम दोनों यानी 17, हम दोनों इतना टाइम दोनों माने अटैचमेंट रहे बचपन से, पर इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया। कहाँ जा रहे थे अभी? कटरा जी कौन गुरु? मापती जी आप फिर आसी बोराल से आसी अरे आसे कौन कोई उठिए को हाँ कोरे बचपन का दोस्त दोस्त आजा भाई। एक्चुअली दोस्तों उसका दिमाग मैंने संतुलन खराब है, मैंने दिमाग चल ठीक से काम नहीं कर रहा है। बचपन में हर एक चीज जो आप चड्डी क्या बोलते हैं हिंदी में, हमने चड्डी दिया आप ना, जो चड्डी यार बोलते हैं ना, इसके साथ मैंने बचपन से नंग दिया गया, यही था मेरा। आज इसका हालत खराब है। चलिए और भी यादें ताज़ा करते हैं। आज तो अभी जो ये रास्ता देख रहे हैं ये नया तैयार चल रहा है, अभी चल रहा है, नहीं तो मैंने साइकिल जाने का रास्ता था हमारा। मैंने यहाँ पर हम लोग बचपन में साइकिल ऐसा वगैरह कुछ नहीं था, ये रास्ते में हम लोग मैंने जाना आना करते थे। लेकिन था दोस्तों बहुत प्यारा था हम लोग का वो टाइम, उधर गाँव का ये गाँव का एंड जो बोलते हैं ना, गाँव का लास्ट है, हम लास्ट एंट्री कर रहे हैं, निकले तो हम सामने से निकलेंगे। और दोस्तों जो सबसे मजे के बात ये मेरा गांव का गड़िया बोलते हैं, और एक पार्ट टाइम पूरा यहाँ पर हम लोग का बचपन भी इतना मजे से कट गया पता नहीं चला दोस्तों। सौरभ, अच्छा तो ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी बड़ा हो चुके हैं, वो टाइम मैंने तो गांव छोड़ के 25 साल हो गया दोस्तों, और अभी आज आया हूँ गांव को, तो यादें भी उसके साथ थोड़ा ताजा हो गया। ये जो आप गड़िया देख रहे हैं, ये जो आप बोलते हैं जो हम उड़िया में उसको आप बोरा ओढ़ बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को लटक के पानी में कूदते थे, बहुत मस्ती करते थे। और ये सब छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग नहीं जानते ये किसका बेटा है कौन है, आए हैं थोड़ा बातचीत करेंगे गांव के लोग के साथ। और ये हमारा गांव का महादेव मंदिर है। तो हम लोग का बचपन यही मैंने यहाँ पर खेलना कूदना ऐसे, ये जो पेड़ देख रहे यहाँ पर हम लोग का मैंने मस्ती रहता था। एक बार जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों मेरा गांव कैसा लगा। अभी तो गांव में हम लोग एंट्री नहीं किए, ये जो मैं इतना देखा है कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइए।
ये है मेरा गांव का स्कूल। अच्छा ये स्कूल मैंने नहीं पढ़ा हूँ, ये हमारा गांव है। 1957 में गांव का स्कूल हुआ था, लेकिन हमारा जो मैंने जो स्कूल में पढ़ा हूँ वो गांव का बीच में था। एक छोटा सा घर में हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में, लेकिन ये अभी हुआ है, ठीक है। लेकिन दे दिए 1957 हुआ है, लेकिन मैंने 15 साल होगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग गांव में एंट्री कर, ये हमारा गांव है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया। और ये जो सीमेंट का रास्ता देख रहे हैं ना, ये आगे नहीं था। और ये जो घर देख रहे हैं पक्का घर, ये भी नहीं था, सब झुपड़ी घर था। दोस्तों इसके बाद आएगा मेरा पार्ट टू वीडियो, पूरा गांव के लोग के साथ, गाँव के लोग कैसे रहते हैं और उनका जीवन शैली कैसा है। चलिए मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।